अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर जूलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा कलेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 5 क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज मलेरियल पैरासाइट। कि मलेरियल पैरासाइट कौन सा पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। पैरासाइट नेम है प्लास्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। पैरासाइट का नाम क्या है? प्लास्मोडियम। क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है, ठीक है ना। क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में एब्सेंट होते हैं, मींस नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है तो फिर ये मूव कैसे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे होंगे? तो ये वेक्टर या कैरियर के जरिए जो है एक पर्सन से जो वेक्टर होता है, वेक्टर के थ्रू जो है या कैरियर के जरिए जो है ये ट्रांसमिट होते हैं। कहाँ इसका वेक्टर क्या है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर है, मींस इसको प्लास्मोडियम को कैरी करता है और वो ट्रांसमिट करता है। अच्छा, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं है यहाँ पे? फीमेल मॉस्किटो क्यों है? मेल इसलिए नहीं है क्योंकि मेल वैसे तो मॉस्किटो जो है अपना फूड जो है, एज़ अ फूड जो है फ्लावर कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर कनेक्टर जो है एज अ फूड वो यूज़ करते हैं। तो मेल जो है नेक्टर को यूज़ करता है, लेकिन क्योंकि फीमेल मॉस्किटो के रिप्रोडक्शन के लिए अपनी जो है जब रिप्रोडक्शन करनी होती है तो उसको आयरन की नीड होती है। तो वो आयरन कहाँ से लेती है? वो इसलिए जो है फिर वो किसी ह्यूमन को जो है वो बाइट करती है उसकी बॉडी से ब्लड लेने के लिए, आयरन लेने के लिए। तो इसलिए जो है फीमेल मॉस्किटो के जरिए जो है ये प्लास्मोडियम ट्रांसमिट होता है। ओके, इट इज डायजेनिक पैराटिज्म। डायजेनिक मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, वो पैरासाइट जिसके लिए जिसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट करने के लिए दो होस्ट की नीड हो, मीन्स वो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में जो है कम्प्लीट करता है तो उसको डायजेनिक कहते हैं। मोनोजेनिक वो होते हैं जो कि एक ही होस्ट की रिक्वायर्ड होती है जिनको अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट करने के लिए। तो प्लास्मोडियम जो है ये डायजेनिक है बिकॉज ये दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है, अपनी रिप्रोडक्शन जो है कम्प्लीट करता है। वो होस्ट कौन कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में जो है पहले क्या करेगा? कम्प्लीट करेगा, पहले वर्टिब्रेट में करेगा फिर इनवर्टिब्रेट में करेगा, या फिर पहले इनवर्टिब्रेट में करेगा फिर वर्टिब्रेट में करेगा। मीन्स तो दो होस्ट इसको नीड है। जैसे आप प्लास्मोडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो है एक ह्यूमन होस्ट है और दूसरा कौन सा है? फीमेल मॉस्किटो। तो जो है इसलिए तो ये क्या है? ये डायजेनिक है, ठीक है ना। फाइव स्पीशीज ऑफ प्लास्मोडियम, ठीक है ना। प्लास्मोडियम की फाइव स्पीशीज है, फाइव डिफरेंट स्पीशीज है। कौन कौन सी है? अच्छा, फाइव स्पीशीज प्लास्मोडियम सिंगल सेल पैरासाइट है, कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एंड कॉज इलनेस। अच्छा, ये जो पांचों स्पीशीज है प्लास्मोडियम की सिंगल सेल होती है, पैरासाइट है ये, और ये जो है इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को, ठीक है ना, और कॉज करते हैं इलनेस, बीमारियाँ जो है कॉज करते हैं। अच्छा, जो पांचों स्पीशीज है पांचों ही जो है मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन मलेरिया में थोड़ा सा सिम्टम में चेंज होता है या फिर जो इनका जो अंदर का साइकिल होता है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज होता है, वैसे जो है सब मलेरिया ही कॉज करते हैं। नंबर वन इज प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम, और इसको हम जो है पी फैल्सीफेरम भी लिखते हैं, ठीक है ना। द सेकेंड वन इज प्लास्मोडियम मलेरियाई, द थर्ड वन इज प्लास्मोडियम वीवैक्स, प्लास्मोडियम ओवील एंड प्लास्मोडियम नॉलिसी, ठीक है ना। ये फाइव स्पीशीज हैं और पांचों स्पीशीज ही मलेरिया कॉज करते हैं। हम जो आज स्टडी करेंगे, हम मलेरिया प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम को स्टडी करेंगे, उसके लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। सो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम इज कम्प्लीट इन टू होस्ट। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये डायजेनिक है, तो ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कम्प्लीट करता है। द वन इज मैन एंड द अदर वन इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है ना। मैन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में जो है अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है। मैन सर्व एज अ प्राइमरी होस्ट, ठीक है ना। मैन जो है प्राइमरी होस्ट सर्व करता है, मीन्स सबसे पहले जो इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है वो इंसान में, मैन मतलब यहाँ से ह्यूमन की बात हो रही है, इंसान में जो है स्टार्ट होगी, ह्यूमन में स्टार्ट होगी। वेयर एज मॉस्किटो सर्व एज सेकेंडरी होस्ट, फिर क्या होगा जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कहाँ कम्प्लीट होगी? वो जो है सेक्सुअल साइकिल जो होगी वो कहाँ कम्प्लीट होगी? वो जो है फीमेल मॉस्किटो में जो है कम्प्लीट होगा, ठीक है ना। द पैरासाइट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द टू फेज। टू फेज में जो है कम्प्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल।
एसेक्सुअल साइकिल इन मैन मींस एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो होगा ह्यूमन में कंप्लीट होगा, एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो होगा वो कंप्लीट होगा फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज में, ठीक है ना। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, लेकिन अगर हम इसको फ्लो चार्ट के जरिए देखें, क्योंकि फ्लो चार्ट के जरिए जो है आपको इजीली समझ में आता है, तो इसलिए मैं फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझा रही हूँ। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, ठीक है ना, जो है किसमें दो होस्ट की रिक्वायर्ड होती है, एक मैन मीन्स ह्यूमन, द अदर वन इज फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, ठीक है ना। अच्छा, मैन में प्राइमी हो, मैन जो है प्राइमी होस्ट, सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कहाँ होगा, वो प्राइमी होस्ट में होगा। देन जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है सेकेंडरी होस्ट है। एसेक्सुअल जो है साइकिल जो होगा कहाँ पे होगा, ये मैन में होगा, और इसको एसेक्सुअल और शिज़ोगोनी भी कहते हैं, ठीक है ना। देन जो है सेक्सुअल जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये मॉस्किटो में होगा, जिसको स्पोरोगोनी भी कहते हैं। ओके, एसेक्सुअल में थ्री फेज जो है इंक्लूड है, थ्री स्टेप में ये कंप्लीट होगा। द वन इज प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज, द अदर वन इज इरेथ्रोसाइटिक फेज, द थर्ड वन इज गैमेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है ना। प्री मींस पहले, इरेथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी में एंटर होने से पहले, ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से, सॉरी आरबीसी में एंटर होने से पहले जो डिवेलपमेंट होगी जितनी भी, तो उसको हम कह रहे हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक। फिर क्या होगा, फिर इरेथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी में एंटर जब हो जाएगा, उसके बाद जो जितनी ग्रोथ होगी, जितनी डेवलपमेंट होगी, उसको इरेथ्रोसाइटिक फेज बोलेंगे। फिर गैमेटो साइटोजेनेसिस, ठीक है ना। गैमेट मींस गैमेटो मींस गैमेट, साइटो मींस सेल, और जेनेसिस मींस बनना, मतलब बनते हैं। यहाँ पे क्या, गैमेट के सेल बनते हैं, गैमेट नहीं फॉर्म होते, गैमेट के सेल बनते हैं, फिर वो सेल आगे जाके गैमेट फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ इस स्टेज में जो है सिर्फ सेल फॉर्म होंगे गैमेट के, ठीक है ना, और उन गैमेट सेल से आगे जाके गैमेट फॉर्म होंगे। देन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो भी तीन जो है स्टेप है इसमें, गैमेटोगोनी मींस गैमेट फॉर्म होंगे इसमें, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जो है दो गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। देन जो है स्पोरोगोनी मींस स्पोर्स फॉर्म होंगे, वही स्पोर्स जो है स्पोरोजॉइड फॉर्म होंगे, जो कि फिर आगे जाके इन्फेक्टेड जो है स्पोरोजॉइड फॉर्म होंगे, जो कि आगे जाके किसी और को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी थ्री स्टेजेस में होगा कंप्लीट, और ये भी थ्री स्टेजेस में कंप्लीट होगा। एसेक्सुअल इन मैन, हम जो है एसेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन में, अच्छा मैन से यहाँ पे आप जो है ह्यूमन का मतलब है, ठीक है ना। तो मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है आदमी की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, मेल की बात नहीं हो रही, ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैन मैंने ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, तो आप ये जो है क्लियर कर लें कि मैन मीन्स ह्यूमन, ठीक है ना। अच्छा, एसेक्सुअल साइकिल जो है ह्यूमन में होगा, जिसको हम शिज़ोगोनी भी कहते हैं। अ हेल्थी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कंटेन इन इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजॉइड और पैरासाइट इन इट्स स्लेवरी ग्लैंड्स बाइट हिम फॉर सकिंग हिज ब्लड। अच्छा, एक हेल्थी पर्सन जो है उसमें इन्फेक्शन होगा, कैसे होगा इन्फेक्शन, जब एक मॉस्किटो जो है मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में क्या होगा, स्पोरोजॉइड होंगे, इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड होंगे, ठीक है ना। वो जो है पैरासाइट में होंगे, पैरासाइट कहाँ पे होंगे, सलेवरी ग्लैंड्स में होंगे, ठीक है ना। जैसे ही बाइट करेगा किसी भी ह्यूमन को उसका ब्लड सक करने के लिए, तो वो जो स्पोरोजॉइड हैं वो उसके बॉडी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये मॉस्किटो आया, इसने जो है ब्लड लेने के लिए, फीमेल मॉस्किटो जो है ब्लड लेने के लिए जो ना किसी भी ह्यूमन को जब बाइट किया, मतलब इन्फेक्ट जिसमें स्पोरोजॉइड है, इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड है, ठीक है ना। तो जैसे ब्लड सक करेगा तो वो क्या करेगा, जैसे बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइड जो है ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। ओके, देन प्री जैसे कि एरेथ्रोसाइटिक फेज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एसेक्सुअल साइकिल में जो है थ्री स्टेप्स होंगे। तो नंबर वन इज प्री एरेथ्रोसाइटिक फेज। प्री इसलिए कह रहे हैं कि ये अब जो है ये अभी आरबीसी में एंटर नहीं हुआ, आरबीसी से पहले जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए हम उसको प्री कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मलेरिया इन्फेक्शन बिगन, जैसे मलेरिया इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होगा, व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अ पर्सन इंजेक्टेड प्लास्मोडियम पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड इन टू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है बाइट करेगा किसी भी शख्स को, ठीक है ना, उसमें क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट करेगा उसके, क्योंकि ये जो है इन्फेक्टेड है, मतलब इस फीमेल मॉस्किटो में ये पहले से इन्फेक्शन जो है प्लास्मोडियम इसकी बॉडी में है, इसे कहाँ पे, इसके सलेवरी ग्लैंड में है। जैसे ही वो इसको बाइट करेगा तो इंजेक्ट कर देगा
प्लास्मोडियम पैरासाइट जो है, इसमें इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट की फॉर्म में जो है उसकी बॉडी में, उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा स्पोरोजोइट, ठीक है ना। फिर क्या होगा, द स्पोरोजोइट पास क्विकली इन टू द ह्यूमन लिवर। जैसे ही फीमेल मॉस्किटोज को बाइट करेगा तो जो स्पोरोजोइड है, जो इन्फेक्टेड स्पोरोजोइड है, वो पास हो जाएंगे कहाँ पर, ह्यूमन के लिवर सेल में। लिवर सेल में मीन्स हेपेटिक सेल में जो है, लिवर के हेपेटिक सेल में जो है मूव कर लेंगे। द स्पोरोजोइड मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली इन द लिवर सेल। फिर क्या करेंगे, वो जो स्पोरोजोइड है वो लिवर सेल में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, एसेक्सुअली, ठीक है ना, एंड बिकम शिजोंड। फिर क्या हो जाएंगे, वो शिजोंड बन जाएंगे, मीन्स थोड़ा सा उसमें जो है साइज में साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो शिजोंड बन जाएंगे। जो अब जो वो स्पोरोजोइड जो चेंज हुआ है, मीन्स थोड़ा साइज में लार्ज हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं हम, शिजोंड कह रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 days कॉजिंग नो सिम्टम। फिर 7 से 10 दिन तक जो है वो लिवर सेल में ही रहेंगे और कोई भी सिम्टम अभी शो नहीं होगा कि इस शख्स को मलेरिया हुआ है। उस शख्स को खुद भी पता नहीं चलेगा कि मलेरिया हो गया, अभी जो है वो क्या कर रहा है, शिजोंड फॉर्म हुए। इट डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये जो है डिवाइड होंगे और फॉर्म करेंगे लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा जो है यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स एरिथ्रोसाइटिक, यहाँ पे ई मतलब एरिथ्रोसाइटिक, क्योंकि ये जो है एरिथ्रोसाइटिक में जो अभी एंटर नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना मीरोजॉइड फॉर्म हो जाएंगे, शिजोंड के बाद क्या फॉर्म हुआ, मीरोजॉइड फॉर्म हो गए, ठीक है ना। दीज लिबरेट व्हेन लिवर सेल ब्रश। अच्छा, फिर क्या होगा, जब लिवर सेल ब्रश हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ये जो मीरोजॉइड है, ये इससे बाहर निकल आएंगे। अब जैसे ही बाहर निकल आएंगे, अच्छा इसके बाद क्या होगा कि ये जब इसने लिवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो अब दोबारा से क्या करेंगे, किसी नए लिवर सेल को अटैक करेंगे, ये मीरोजॉइड दोबारा से जो है ना लिवर सेल है, किसी नए लिवर सेल में जाएंगे, वहाँ पे जो है दोबारा से शिजोंड फॉर्म करेंगे, फिर जो है मीरोजॉइड फॉर्म करेंगे, फिर जो है ना वो लिवर सेल ब्रस्ट होगा, तो मीरोजॉइड उससे दोबारा निकलेंगे। ये कई बार ये जो साइकिल चलता रहेगा, और इसका जो मेन जो टारगेट होगा कि बहुत सारे जो है सारा जो है लिवर सेल को ये जो है डैमेज करें, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल दोबारा ब्रश होगा, तो इससे मीरोजॉइड कहाँ आएंगे, एरिथ्रोसाइटिक फेज, मीन्स अब ये आरबीसी में एंटर होंगे, ठीक है ना। इन द ब्लड स्ट्रीम द मीरोजॉइड इन वेट रेड ब्लड सेल। ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे, जो मीरोजॉइड है अब ये जो है कहाँ एंटर होंगे, ये जो है आरबीसी में एंटर होंगे, और उसको जो है डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इन वैंड मीन्स हमला करेंगे उसके ऊपर एरिथ्रोसाइट्स को, एंड मल्टीप्लाई अगेन अंटिल सेल ब्रस्ट। फिर वहाँ मल्टीप्लाई होते रहेंगे और साइज तो इंक्रीज करेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, ट्रिप्रोजॉइड फॉर्म करेंगे। देन जो है उसके बाद जो है थोड़ा सा वो वहाँ से और न्यूट्रंस लेंगे, न्यूट्रंस लेने के बाद जो है उनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड पे हो जाएगा, और साइज में लार्ज जाएंगे तो सिग्नेट रिंग स्टेज उनका स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे सिग्नेट रिंग स्टेज जो है फॉर्म कर लेंगे। सिग्नेट रिंग स्टेज कैसा होगा कि जैसे कि ये है इसका साइटोप्लाज्म जो है ना, इसका एक साइड पे जा जाएगा यूं, तो ऐसे रिंग शेप फॉर्म कर लेंगे, तो ये कौन सा स्टेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है और वहाँ पे न्यूट्रन लेंगे, और इररेगुलर शेप बन जाएगा यूं, जैसे कि यूं शेप इसकी बन जाएगी। तो ये शेप आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, अमीबा याद आ रहा होगा, तो इसको बोलेंगे अमीबॉइड स्टेज कहेंगे, ठीक है ना। तो अमीबॉइड स्टेज बन जाएगा, उसके बाद जो है आगे जाके क्या करेंगे, दोबारा से मीरोजॉइड बन जाएंगे। और वो मीरोजॉइड कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ये जो है अब आरबीसी में फॉर्म हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, ठीक है ना। पहले जो था वो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक था, मीन्स एरिथ्रोसाइट से पहले जो मीरोजॉइड बना था, अभी क्या है एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड जो है फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स आरबीसी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अच्छा, फिर देन दे इन्वर्ट मोर एरिथ्रोसाइटिक, दिस साइकिल इज रिपीटेड। फिर जब अच्छा मीरोजॉइड जब फॉर्म होंगे, तो वो सेल जो है एरिथ्रोसाइटिक जो जब आरबीसी ब्रश होगा, तो उससे मीरोजॉइड बाहर निकलेंगे, फिर जाके वो किसी और नए सेल को जो है किसी और आरबीसी को इन्वर्ट करेंगे, मीन्स उसको जो है हमला उसके ऊपर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत से आरबीसी वहाँ पे जो है डैमेज हो जाए। फिर ये रिपीट होता रहेगा साइकिल। फिर क्या करेगा, फीवर, उसके बाद जब आरबीसी ब्रोकन होना स्टार्ट कर हुए होंगे, तो जो है एकदम से सिम्टम शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कॉज करेगा फीवर सच ईच टाइम पैरासाइट ब्रेक फ्री एंड इन्वेड ब्लड सेल। जैसे ब्लड सेल जो है वहाँ ब्रोक होगा, तो जो है सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो पीरियड है इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है ना।
देन जो है अब क्या होगा कि अब जैसे कि आरबीसी ब्रस्ट हुआ, उससे मीरोजॉइट बाहर निकले, मीरोजॉइट बाहर निकलेंगे तो अब जो स्टेज स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे गैमेटोसाइटोजेनेसिस। मींस वो सेल जो कि गैमेट फॉर्म करते हैं वो सेल फॉर्म होंगे। इनसे सम ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड जो सेल्स लीव द साइकिल ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इंस्टीड ऑफ रिप्लिकेशन। द मीरोजॉइट इन दीज सेल्स डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म और द पैरासाइट कॉल्ड गैमेटोसाइट दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। माइक्रोगैमेटोसाइट मेल एंड फीमेल, माइक्रोगैमेटोसाइट फीमेल, दीज गैमेटोसाइट डू नॉट डिवाइड बट रिमेन विद इन देयर होस्ट ब्लड अंटिल दे आर इंगेस्टेड बाय द वेंडर इन विच दे कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट। अच्छा क्या होगा कि जैसे कि बहुत सारे जो आर बी सी डैमेज हो गया, अब जो है क्या करेंगे कि आर बी सी जो है ब्रस्ट होगा उससे मीरोजॉइट निकलेंगे और मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, मीन्स तो साइज में इंक्रीज होंगे और इंक्रीज होने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट सेल फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, दो तरह के गैमेट सेल फॉर्म होंगे, एक होगा माइक्रोगैमेटोसाइट और दूसरा क्या होगा मैक्रोगैमेटोसाइट। जो माइक्रोगैमेटोसाइट होगा वो थोड़ा सा स्मॉल साइज में होगा। ठीक है ना, अगर जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या है, ये माइक्रोगैमेटोसाइट है, ये स्मॉल होगा, और जो मेगागैमेटोसाइट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये क्या है, इसको मेल भी कहते हैं और इसको फीमेल भी कहते हैं। मीन इससे जाके आगे मेल गैमेट बनेगा और इससे आगे जाके क्या करेगा, फीमेल गैमेट्स बनेगा। ठीक है ना, जो लार्ज वन है उससे फीमेल गैमेट बनेगा और जो स्मॉल है उससे क्या होगा, मेल गैमेट बनेगा। तो ये क्या है, ये माइक्रोगैमेटोसाइट है और ये क्या है मैक्रोगैमेटोसाइट, मतलब ये फीमेल है ये मेल है। पर ये गैमेटोसाइट जो है आगे डिवाइड नहीं होंगे, वहाँ पे जो है होस्ट के ब्लड में जो है वहाँ पे वहीं पे रहेंगे, वहाँ पे वेट करेंगे कि जैसे ही कोई और जो है मॉस्किटो जो है मतलब वेंडर जो है, मॉस्किटो की बात हो रही है यहाँ पे, कोई मॉस्किटो आएगा दोबारा से जो है ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ये दोनों जो मैक्रोगैमेटोसाइट है और माइक्रोगैमेटोसाइट है वो जाके जैसे ही ब्लड सक करेगा तो उसके माउथ के जरिए उसके जो है बॉडी में जाएगा और वहाँ जाके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अपनी लाइफ साइकिल जो है अब स्टार्ट कहाँ होगी, अब जो है वहाँ पे फीमेल एनोफिलीज में जो है ये स्टार्ट होगी। ठीक है ना, व्हेन अ मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड ह्यूमन इट इंगल्स द गैमेटोसाइट। जैसे ही कोई भी मॉस्किटो आएगा और वो जो है इन्फेक्टेड ह्यूमन को जो है, मतलब अब वो ह्यूमन जो है क्या है इन्फेक्टेड हो गया, मीन्स वो कैरियर हो गया। अब जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन को इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो दो तरह के गैमेट हैं यहाँ पे गैमेटोसाइट्स हैं ये जाके क्या करेंगे उसकी फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में एंटर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है अब ये जो सेक्सुअल साइकिल है ये कहाँ होगा, ये मॉस्किटो की बॉडी में होगा, इसको स्पोरोगोनी कह रहे हैं। ठीक है ना, सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम इज कम्प्लीटेड इन टू द गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज। ठीक है ना, जो सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम है वो कहाँ कम्प्लीट होगा, वो फीमेल गैमेट फीमेल एनोफिलीज के गट में होगा। ठीक है ना, मॉस्किटो के गट में होगा, रिजल्टिंग इन द इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड, और वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड फॉर्म करेगा। अच्छा, अब इसमें जैसे कि हमने कहा था कि सेक्सुअल साइकिल जो है मॉस्किटो में जो होगा वो भी थ्री स्टेप्स में होगा। तो नंबर वन है गैमेटोजेनी, ठीक है ना, गैमेटोगोनी, ठीक है ना। तो गैमेटोसाइट जो है टेकन अप अलॉन्ग विद द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा क्या होगा कि ये जो दो गैमेटोसाइट्स हैं, ये जो एक माइक्रोगैमेटोसाइट है और जो क्या है मैक्रोगैमेटोसाइट, ये क्या होगा कि मॉस्किटो की बॉडी में गया, एंटर हुआ और कहाँ जाएगा, ये ब्लड के जरिए जो है मॉस्किटो के स्टमक में गया। ठीक है ना, ये मॉस्किटो के स्टमक में एंटर हो गया, स्टमक में एंटर होगा, वहाँ पे क्या करेगा, ये गैमेटोसाइट जो है सून जो है मैक्रोगैमेट्स बन जाएगा और क्या बनेगा, मैक्रोगैमेट्स फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, एक जो है इन दोनों से क्या हो जाएगा कि गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, विच इज़ रेडी टू बी फर्टिलाइज, जो कि अब फर्टिलाइज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना, ईच मेल गैमेटोसाइट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जो फीमेल है ठीक है ना, उससे तो जो है क्या होगा कि एक मैक्रोगैमेट फॉर्म हो गया, और जो मेल है उससे क्या होगा, उससे 6 to 8 जो है स्पर्म लाइक माइक्रोगैमेट जो है फॉर्म होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेजनेशन। जो मेल है उससे तो जो है एक सिंपल जो है एक गैमेट फॉर्म हो गया आगे जाके, ठीक है ना, जो मेल है उससे जो है एक गैमेट जो है फॉर्म हो गया। ठीक है ना, और इसको क्या कह रहे हैं, मैक्रोगैमेट्स कह रहे हैं, और जो सॉरी फीमेल से जो मेल है उससे जो है एक ऐसा जो है गैमेट फॉर्म होगा जिससे 6 to 8 जो है फ्लैजेला लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है स्पर्म्स अराइज होंगे। ठीक है ना,
ऐसे जैसे कि स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म की तरह जो है, फ्रेजिला की तरह, उसे स्पर्म 6 to 8 जो है, उसे स्पर्म जो है की शेप में गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो है मैक्रोगैमेट है, मीन्स फीमेल गैमेट है, और ये क्या है, ये मेल गैमेट है जो कि इस शेप का होगा, मीन्स फ्लैजेला शेप की होगा। प्रोसेस ऑफ एक्सफ्लैजेलेशन मीन्स बॉडी से उसके ना फ्लैजेला टाइप का जो है ना स्पर्म अराइज होगा। अब क्या होगा, ये आगे जाके अब जो है आपस में दोनों आके फ्यूज़ होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द टू गैमेट्स ऑफ द अपोजिट सेक्सेस, तो दो गैमेट हैं अपोजिट सेक्सेस के, मीन्स फीमेल एंड मेल फ्यूज जो कहते हैं, आपस में फ्यूज होंगे टू फॉर्म जायगॉट। क्या फॉर्म करेंगे, जायगॉट फॉर्म करेंगे। आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, जायगॉट फॉर्म करेंगे, जायगॉट फॉर्म करेंगे। द जायगॉट बिकम वॉर्म लाइक, फिर क्या होगा कि ये जो जायगॉट है ये आगे जाके एक वॉर्म की तरह जो है शेप में आ जाएगा। उस वॉर्म को हम क्या करेंगे, ओके नाइट्स, ठीक है ना। दैट बोरो थ्रू द मॉस्किटो मिडगट वॉल एंड सिस्ट, फिर क्या होगा, ये जो लार्वा है, ये जो वॉर्म है, ये वॉर्म जो है जो मॉस्किटो का जो मिड गट है, उसकी वॉल है, उसकी वॉल को पेनेट्रेट करता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर आएगा तो वहाँ पे अपने आप को एक सिस्ट में जो है इंसिस्ट कर देगा, मीन अपने आप को एक सिस्ट में कवर कर लेगा। उसको क्या बोलेंगे, ओसाइट। इस जो ये जो वॉर्म है, इसने अपने आप के ऊपर अपने ऊपर एक कवरिंग फॉर्म कर ली है, उस कवरिंग को मतलब इंसिस्ट कर लिया है अपने, इसमें एक सिस्ट में फॉर्म इंसिस्ट कर लिया है। उसको क्या कह रहे हैं, ओसाइट्स कह रहे हैं, ठीक है ना, ओसिस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो रहा है, ये अब मिड गट के वॉल के बाहर काम हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, स्पोरोगोनी, ठीक है ना। अब यहाँ जब ये अपने आप को सिस्ट में जो है क्लोज कर देगा, तो इनसाइड द ओस्टिस थाउजेंड ऑफ एक्टिव स्पोरोजॉइड डेवलप, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे जो है स्पोरोजॉइड डेवलप होंगे। इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे जो है स्पोरोजॉइड डेवलप होंगे। द सिस्ट ओसिस इवनली ब्रस्ट, इवन में क्या होगा, ये जो है ब्रस्ट हो जाएगा, मीन्स ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, इससे जो है क्या होगा, स्पोरोजॉइड जो है वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। तो रिलीजिंग स्पोरोजॉइड इनटू द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी मींस हेमोसील में, मतलब जो बॉडी का लिक्विड होता है उसमें जो है क्या होगा, ये स्पोरोजॉइड जो है वहाँ से जो है रिमूव रिलीज होंगे, वहाँ पे एंटर हो जाएंगे, वहाँ एंटर होंगे। दैट ट्रेवल टू द मॉस्किटो स्लेवरी ग्रैंड, वहाँ से फिर ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो के स्लेवरी ग्रैंड में जाएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे। फिर जब ये द साइकिल ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बिगन व्हेन अगेन व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स एन अदर पर्सन, फिर जो है वही मॉस्किटो जब किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, तो ये जो स्पोरोजॉइड है उसके स्लेवरी ग्रैंड में जो स्टोर हुए हैं, जैसे ही वो बाइट करेगा तो उसके जरिए, बाइट के जरिए जो है उसके ब्लड स्ट्रीम में जो है ये एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये जो है डायग्राम, जैसे कि आपकी बुक में डायग्राम है, तो मैंने यहाँ पे यही डायग्राम जो है आपको समझाने के लिए यही डायग्राम मैंने दोबारा से डाल दी है, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो ये डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो है, ये जो बॉडी है ये मॉस्किटो की है, ये जो है ह्यूमन की बॉडी दिखाई गई है। यहाँ पे जैसे ही उसने बाइट किया, बाइट करते हुए इसमें स्पोरोजॉइड आ रहे हैं, स्पोरोजॉइड जो है कहाँ आएंगे, ह्यूमन के लिवर सेल में आएंगे, हेपेटिक सेल में। यहाँ पे जब आए तो सही साइज में इंक्रीज हुए, शिजॉइंट फॉर्म कर दिया, शिजॉइंट फॉर्म हुए और यहाँ पे इस आगे तो सही डिवेलपमेंट हुई, डिवीजन हुई। जैसे ही शिजॉइंट बनेंगे इसके बाद डिवीजन होगी, डिवीजन हुई तो क्या फॉर्म हुए, यहाँ पे मीरोजॉइड बने। मीरोजॉइड कहाँ, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, क्योंकि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, क्योंकि ये अभी आरबीसी से पहले का काम हो रहा है, इसलिए हम इसको जो है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक या प्री एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड कहेंगे, ठीक है ना। फिर जो ये जो लिवर सेल है ये जो है ब्रस्ट होगा, जैसे ही ब्रस्ट होगा तो इससे ये बाहर निकलेंगे। अब ये जो है दोबारा से एक दूसरा लिवर सेल दिखाया गया है कि ये दोबारा किसी नए लिवर सेल को अटैक करेंगे, दोबारा सीजॉन फॉर्म करेंगे, सीजॉन फॉर्म होगा दोबारा डिवीजन होगी, मीरोजॉइड फॉर्म होंगे, मीरोजॉइड फॉर्म होंगे दोबारा से जो है वो लिवर सेल जो है ब्रस्ट होगा, उससे मीरोजॉइड जो है बाहर आएंगे। अब ये यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, अब ये कहाँ एंटर हो रहे हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी में एंटर हो रहे हैं। तो अब ये कौन सा जो है मतलब ये जो है अब एरिथ्रोसाइटिक स्टेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। आरबीसी में आए, आरबीसी में आए तो अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने जो है वहाँ से न्यूट्रंस लिया, न्यूट्रंस लेके इसका साइज इंक्रीज हुआ, ये ट्रोपोजॉइड बन गए, ट्रोपोजॉइड बन गए। इसके बाद जो है क्या हुआ, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इसने और न्यूट्रंस लिए तो ये हेल्थी हो गए, हेल्थी हुए तो इनका जो रिंग स्टेज है, इनका जो साइटोप्लाज्म है एक साइड पे हो गया, तो कौन सा स्टेज है, ये रिंग सिग्नेट फेज बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इररेगुलर शेप, अमीबा की तरह शेप इसने जो है फॉर्म कर लिया है, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे कि हम अमीबॉइड स्टेज। फिर जो है आपको ये जो है ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ग्रैन्यूल्स मीन्स जब ये आरबीसी को अच्छे से डैमेज कर देंगे, वहाँ जो है येलो कलर के पिचेस जो है
आ जाएगा, तो ये दोबारा से अब जो है सीजोन फॉर्म होगा, सीजोन फॉर्म होगा दोबारा से मीरोजॉइड फॉर्म होगी, डिवीजन होगी दोबारा से, ये जो है मीरोजॉइड जो है अब आरबीसी में हो रही, तो हम इसको बोलेंगे रेट्रोसाइटिक मीरोजॉइड। अब ये जो सेल है आरबीसी, ये ब्रस्ट होगा, इससे मीरोजॉइड वापस निकलेंगे दोबारा से किसी और आरबीसी को अटैक करेंगे, दोबारा से पूरा लाइफ साइकिल चलेगा। अब दोबारा से जब यहाँ पे दोबारा आरबीसी ब्रस्ट होगा तो इससे मीरोजॉइड निकलेंगे, तो ये दो गैमेट के सेल फॉर्म करेंगे, एक है मेगा और दूसरा है माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है ना। अच्छा इसको मैक्रो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा मेगा मीन्स बड़ा जो होगा वो फीमेल होगा, जो स्मॉल होगा वो क्या होगा मैक्रो होगा। अभी यहाँ वेट करेंगे, जैसे ही वेट करेंगे कि दोबारा से कोई जो है मॉस्किटो आए और उसको बाइट करे, जैसे बाइट करेंगे तो उसके साथ जो है ये ब्लड लेगा, ब्लड के साथ ये भी जो है इसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। एंटर हो गए दोनों गैमेट सेल के जो है ये एंटर हो गए, फीमेल गैमेट ने क्या फॉर्म किया मेगा गैमेट फॉर्म कर दिया, और मेल ने क्या किया कि एक जो है ये स्पर्म 68 स्पर्म फ्लैजेला लाइक जो है उसकी बॉडी से निकल रहे हैं, तो ये स्पर्म फॉर्म कर दिया। अब दोनों आके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फ्यूज होगा, फ्यूजन होगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद जो है ये लार्वा शेप जायगॉट फॉर्म कर लिया। जायगॉट जो है लार्वा शेप जब बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ओकेनाइट्स। ओकेनाइट जो है अब इस जो मिड गर्ड है इसकी वॉल को पेनेट्रेट करता हुआ बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो यहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो है एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा, तो उसको क्या बोले हम ओसाइट। ओसाइट जो है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें मतलब बहुत सारे जो स्पर्मोजॉइट डेवलप होंगे, तो ये जब एंड में ब्रस्ट होगा तो यहाँ से जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ये अब दोबारा जाके जो मॉस्किटो है उसके जो है सिलेवरी कैंड वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, और दोबारा से जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा दोबारा से स्पर्मोजॉइट जाके उसकी ह्यूमन की बॉडी में हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलरफुल बताया लाइफ साइकिल प्लास्मिडियम किसी और तरीके से आपको अगर ऐसा समझ आता है, तो ये है मॉस्किटो है, ब्लड मील है, जैसे सक करेगा हेपेटिस सेल को जो है अब क्या करेगा कि इन्फेक्ट करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे सीजोन फॉर्म करेगा, सीजोन फॉर्म करने के बाद मीरोजॉइट फॉर्म होंगे, मीरोजॉइट जैसे ही रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद ये जो इथ्रोसाइटिक में जाएंगे आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में जाने के बाद यहाँ पे जो है ये ट्रिपोजॉइट फॉर्म कर रहे हैं, फिर ट्रिपोजॉइड से फिर शिजॉन्ट फॉर्म कर रहे हैं, शिजॉन्ट जो है फिर मीरोजॉइड फॉर्म करे हो गए उससे, फिर जो है जैसे आरबीसी ब्रस्ट होगा तो दोबारा से किसी और आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, फिर दोबारा से ट्रिपोजॉइड बनेगा, दोबारा शिजॉन्ट बनेंगे, दोबारा से मीरोजॉइड बनेंगे, फिर जो है मीरोजॉइड जो है दोबारा ब्रस्ट होंगे तो आरबीसी, दूसरे मीरोजॉइड जब बाहर आएगा तो गैमेटोसाइट फॉर्म करेंगे। दो तरह गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, मैक्रो गैमेटोसाइट मीन्स मेल फीमेल और सॉरी मेल, और जो लार्ज वन है मैक्रोगेमेटोसाइट मीन्स फीमेल, ठीक है ना। दोनों जो है अब जो यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ही कोई ब्लड मॉस्किटो आया उसने ब्लड लेने की कोशिश की मतलब जो है बाइट किया, दोनों गैमेट उसकी बॉडी में एंटर होंगे। अब एंटर होंगे नंबर 6 पे देखें ज़रा, दोनों एंटर हो गए, दोनों आपस में ये मैक्रोगेमेटोसाइट है और ये जो है स्पर्म फॉर्म करेगा, दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगॉट फॉर्म होगा, जायगॉट जब लार्वा शेप में आ जाएगा तो ओकेनाइट्स को बोलेंगे, उसके बाद जो है मिड वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर गया, बाहर जाके इसने अपने आप को जो है एक क्या कर दिया, अपने इर्द गिर्द सिस्ट को जो है फॉर्म किया, तो उसको बोल रहे हैं ओसाइट। उसके बाद जो है इस ओसाइट में जो है स्पर्मोजॉइट डेवलप होंगे, और जैसे ही वो रिलीज उससे होंगे ब्रस्ट होगा रिलीज़ होगा, तो रिलीज़ होने के बाद क्या होगा कि दोबारा से किसी मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड में वो स्टोर होगा, जैसे ही दोबारा बाइट करेगा दोबारा से लाइफ साइकिल चलता रहेगा, ठीक है ना। ओके ये वीडियो के जरिए थोड़ा सा मैंने वीडियो तो नहीं है ये थोड़ी स्मॉल सी डॉक्यूमेंट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे जो है उसकी बॉडी में स्पोरोजॉइड जो है ह्यूमन से ह्यूमन को बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइड जो है उसकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, फिर ये लिवर सेल को जो अटैक कर रहे हैं, देन जो है ये आरबीसी में एंटर हो रहे हैं, और ये आरबीसी में एंटर होने के बाद जो है ये जैसे ब्रस्ट हुआ मीन्स ये आरबीसी से ब्रस्ट करते हुए बाहर निकले, ये क्या अब ये क्या फॉर्म हो रहे हैं, ये फीमेल जो है गैमेटोसाइट फॉर्म हुआ है, द फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ है गैमेटोसाइट, और ये मेल आपको ये स्पर्म टाइप नज़र आएंगे जब ये बनेंगे, ये देखिए स्पर्म ये फॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आगे फ्यूज जैसे फ्यूज होगा तो आगे जाके जायगॉट फॉर्म करेंगे। ओके सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, जब मलेरिया होता है तो क्या सिम्टम, स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि बॉडी में एंटर हुआ कोई भी स्पोरोजॉइट वहाँ से लेकर आरबीसी के ब्रोकन तक का टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, मीन्स वहाँ पे कोई सिम्टम शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आरबीसी ब्रोकन होना स्टार्ट होंगे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मलेरिया इन्फेक्शन इज जनरली
कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स। कौन कौन से फीवर होता है? चिल्स, मतलब जो है बहुत सर्दी लगती है, हेड एक, सर में दर्द, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ वगैरह होती है, और जो है मसल्स पेन और फतीक, मतलब मसल में दर्द होता है और मसल जो है टाइट होते हैं, डायरिया होता है, ठीक है ना, मीन्स लूज मोशन वगैरह, फिर और जो है फीलिंग अनवेल। और कुछ और सिम्टम्स हैं, साइन हैं, जैसे कि इसमें है स्वेटिंग, पसीना आ रहा होता है, जिससे बुखार होता है तो एकदम से पसीना आएगा, पहले सर्दी लगेगी, काम जो है शिवरिंग होगी, लेकिन जैसे ही फीवर उतरेगा, और फीवर जो है तकरीबन 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंचेगा, जैसे ही फीवर उतरेगा तो स्वेटिंग होगी बॉडी में, पसीना आएगा, और चेस्ट और एब्डोमिनल पेन भी होगा, और कफ भी किसी से कभी कभी जो है कफ भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सम पीपल हु हैव मलेरिया एक्सपीरियंस साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है ना, कुछ जो लोग होते हैं जिनको मलेरिया होता है उनको जो है मलेरिया अटैक टाइप का होता है। अटैक में क्या होता है, स्टार्ट होता है शिवरिंग होती है, चिल्स मतलब सर्दी लगती है, बहुत शिवरिंग होती है, फिर क्या होता है कि हाई फीवर होता है, फिर उसके बाद जो है स्वेटिंग हो जाती है, और फिर रिटर्न जो है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी, जब स्वेटिंग होगी तो दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। मलेरिया सिम्टम जो है तब होता है कि फ्यू वीक के स्टार्टिंग, जैसे ही आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो फौरन से नहीं होता, कुछ हफ्तों के बाद होता है, इवन कभी कभी जो है बहुत टाइम भी लग जाता है उसके जो है उसके बाद होता है, ठीक है ना, जैसे ही कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है उसके कुछ हफ्ते बाद जो है आपको सिम्टम्स होते हैं। दैन जो है, अच्छा डॉक्टर के पास कब आपको जाना चाहिए, वैन टू सी अ डॉक्टर, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टॉक टू योर डॉक्टर इफ़ यू एक्सपीरियंस अ फीवर वाइल लिविंग इन द इन और आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ हाई रिस्क मलेरिया रीजन। जैसे ही आपको कभी फीवर हो, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, मीन्स मलेरिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे मॉस्किटो के बाइट ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है वहाँ पे उस रीजन में, मतलब मलेरिया द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया कैन लिव डोरमेंट इन योर बॉडी अप टू ईयर्स, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो मॉस्किटो जो है जो के पैरासाइट है आपकी बॉडी में पूरे एक साल साल तक जो है आपकी बॉडी में रहता है, ठीक है ना, और फिर जब वो एक्टिव होता है उसके बाद जो है वो कॉज कर देता है, ठीक है ना। इफ यू हैव सीवियर सिम्टम्स सीक इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, जैसे ही आपको सीवियर सिम्टम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं मलेरिया के, तो आपको फ़ौरन से क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जो है अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ जो मलेरिया जो होता है बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस भी होता है, ठीक है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मलेरिया पैरासाइट के कैसे जो है मलेरिया जो है अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, कैसे जो है कम्प्लीट करता है दो होस्ट में, और ये यहाँ पे जो है आपका चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा का चैप्टर नंबर 7 कम्प्लीट हो गया है, और जो है होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन, और जो है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा एहतियात कीजिएगा अपनी लाइफ का, अपनी जो हेल्थ का, बिकॉज इट इज़ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ, सो उसका बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।